नमस्कार, प्याज वेज किचन एंड ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, ये एक तरीके की चटनी बना रही हूँ। आप लोग बता सकते हैं ये किस चीज़ का है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये है गिलकी की चटनी। गिलकी, जिसको आप नेनुआ बहुत जगह परोर भी बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। तो इसको सबसे पहले धो करके रख लिए हैं। एक हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे चटनी है तो थोड़ी तीखी ही अच्छी लगती है। तो गैस जला देंगे और गैस पे ये जो स्टैंड होता है ना, इस पे धोए हुए नेनुआ को रख देंगे। मैं दो आदमी के लिए दो ही नेनुआ का बना रही हूँ। ये चटनी आप एक बार बना के खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी होता है। इसको आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, या किसी भी मनपसंद अपने ये के साथ खाइए। सब में बहुत ही अच्छा जाता है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, जैसे आप लोग बैगन पकाते वैसे ही इसको, लेकिन इसको थोड़ा तेज आंच पर पकाना होता है। मतलब मीडियम आंच, ना हाई फ्लेम ना बिल्कुल ही स्लो, और घुमा घुमा के इसको आप पका लीजिए। और इसको क्या है ना, या तो चम्मच से, जैसे मैं हाथ से टच करके देख रही हूँ, हल्का सा वो दबने लगे, यानी कि ये हो जाता है। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के अच्छे से पका लेंगे। जिस तरफ थोड़ा करा लग रहा है उसको पलट दे रहे हैं, क्योंकि ये लंबा होता है ना थोड़ा सा नेनुआ, तो वो छोटा वाला है नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा है। तो क्या होता है कि ये थोड़ा सा बाहर भी आ जाता है गैस के। तो आप चारों तरफ से इसको घुमा घुमा के अच्छे से पका लें। देखिए कितने अच्छे से पक गया है। इसको, इसका थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ तो उसको भी हम पका ले रहे हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ये बहुत कम लोग जानते भी हैं कि इसकी चटनी भी अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी होती है। तो आप लोग ज़रूर एक बार बनाइएगा इस तरीके से। मेरे यहाँ ये खूब खाया जाता है, इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए हो गया है अच्छे से। अब इसको निकाल लेंगे। और ये जो हरी मिर्च है वो साथ भी आप पका सकते थे, लेकिन मैंने बाद में दिया। ये बहुत तीखी मिर्ची नहीं है, मीडियम तीखापन है, इसलिए मैंने दो गिलकी के लिए एक ही रखा है मिर्ची। आप लोग अपने हिसाब से, जैसा मैंने बोला, कम या ज़्यादा तीखा कर सकते हैं। अब ये थोड़ा ठंडा जाएगा तो इसको छील लें। इसको पानी पे में भी दे के आप लोग छील सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, थोड़ा हम लोग जैसे कहते हैं ना, पनसोर हो जाता है, पानी पानी वाला टेस्ट आएगा। तो हल्का जैसे ही ठंडा हो, इसका छिलका सारा देखिए उतार लिए हैं। और थोड़ा बहुत लगा भी रहेगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो एक सोनापन और ये एक स्मोकी फ्लेवर देता है चटनी में, तो वो भी अच्छा लगता है, इसलिए उसके लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इस तरीके से मिर्ची को भी दे देंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो इसमें मैंने स्वादानुसार नमक दिया है, नॉर्मल नमक है, और हाफ छोटा चम्मच सरसों तेल, क्योंकि सरसों तेल बाद में भी थोड़ा देंगे। और उसके बाद इसको मिक्सी में चला लेंगे दो मिनट के लिए पल्स मोड पे। ज़्यादा करके पहले हल्का सा कर लेंगे, एकदम पेस्ट जैसा नहीं बनाना। देखिए क्योंकि ये गिलकी है ना, तो ये अपने आप हो ही जाएगा एक मिनट में, इसमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं करना है। और अब हाफ छोटा चम्मच और सरसों तेल ऊपर से अब मिला देंगे। हाफ छोटा चम्मच मैंने पीसने के टाइम लिया था। तो देखिए, एक सिंपल सी चटनी, ज़रूर बनाइए इस तरीके से, बहुत ही टेस्टी लगता है। और सिर्फ जिनको पसंद आता वो तो सिर्फ चावल चटनी भी खाते हैं, या हरी सब्जी के जगह पे ये भी आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। तो ज़रूर बनाइए, और कैसी लगी रेसिपी वो भी बताइए। ये मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए थाली लगाया था, उसमें मैंने ये चटनी सर्व किया है।